बहुत शुक्रिया रफत आर्मी साहब, असल में आज हम लोगों के सबके रोजे हैं, उसकी वजह से हम लोगों के बिल्कुल हालत खुश्क हैं। तो अगर कोई गलती हो जाए बोलने में या लय में तो आप माफ़ कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल हालत में कोई भी तरी नहीं है। मैं एक पेश करता हूँ दर्शन सिंह महाराज जी का एक रोज़े के मुतालिक जो आपने लिखा है, रोज़े और नमाज के मुतालिक। मैं कहता हूँ कि ये आज तक मेरी नज़र से तो 50 साल का मैं हो गया नहीं गुजरा, अगर आप लोगों की नज़र से गुजरा हो तो मेरे इल्म में इजाफा कीजिएगा। मेरे मस्जिद को सदाकत को मुसल्ला समझो, मेरे मस्जिद को सदाकत को मुसल्ला समझो और ईमान को कुरान का जलवा समझो, और ईमान को कुरान का जलवा समझो। शर्म क्या चीज है सुन्नत का कोई कारे जलील, शर्म क्या चीज है सुन्नत का कोई कारे जलील, रोजा क्या चीज है अखलाके हुसन की कंदील, रोजा क्या चीज है अखलाके हुसन की कंदील, अपनी तस्बीह रिजा है तो करम कलमा है, अपनी तस्बीह ही रिजा है तो करम कलमा है, सच को हम पीर जो समझे तो अमल काबा है, सच को हम पीर जो समझे तो अमल काबा है। इन अकायद पे जो ईमान सदा रखते हैं वो मुसलमान हैं, साथ अपने खुदा रखते हैं। और अब मैं जहमत दूंगा अपने बहुत ही मोहतरम भाई और बहुत दूर से तशरीफ लाए और बहुत मसरूफियत में वक्त निकाला अफजाल जाफरी साहब ने, पहले उनकी नज़र एक कथा करता हूँ। तेरे बारे में कहूँ अफजाल मैं इतना जरूर, तेरे बारे में कहूँ अफजाल मैं इतना जरूर, तेरे दम से रौनक बज़्मे अली में है वो नूर, तेरे दम से रौनक बज़्मे अली में है वो नूर, जिससे साबित है तेरे फिक्री अकीदे का शऊर, जिससे साबित है तेरे फिक्री अकीदे का शऊर, खींच लाया तुझको दर पे आज दर्शन का सुरूर। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ब्रदर हसनैन रज़ा का कि उन्होंने इतने अच्छे अशआर इस खासदार के लिए कहे। मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन ये दरे मौला का कराम है कि जो भी इस दर से वाबस्ता हो गया उसे इज्जतें बहुत मिलती हैं। दर्शन साहब का भी यही मसला है कि दर्शन साहब माशाल्लाह इनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, और हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि हमारा चाहे दोस्त हो लेकिन अली का दुश्मन है तो हमारा सबका दुश्मन है, और अगर अली का दोस्त है और हमारा दुश्मन है जब भी वो सबका दोस्त है, और यही दर्शन साहब से हमारे बहुत वो है अकीदत है कि इन्होंने वो अशआर कहे हैं मौला अली की शान में जो मतलब हम लोगों में भी बहुत कम कहे गए हैं, और ये मौला अली की खास इनके ऊपर इनायत है कि इन्हें अपनी मथा के लिए उन्होंने चुना, या अपने ये जौहरी साहब हैं, जौहरी साहब को सुन रहे हैं आप कि ये मौला अली की शान में क्या पढ़ते हैं, या अपने थापर साहब हैं माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त पढ़ते हैं, जो बाद मुसलमानों को इतनी मतलब खुदा ने तौफीक नहीं दी है जो इन लोगों को अता की है मौला अली ने, कि ये इतनी मेहनत करते हैं और इतनी इनसे मोहब्बत है कि इनके ख्वाब में भी आए। मैं आज तक मैंने ख्वाब में मौला अली को नहीं देखा है, मगर ये बैठे हैं थापर साहब ये माशाल्लाह कितने खुश नसीब हैं कि इन्होंने देखा भी, उनसे मतलब गाइडेंस भी हासिल कर रहे हैं, तो ये सब कर्म की बात है। बहरहाल मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्फाज का, और इनके मैं दर्शन साहब पे कहता है कि अली की मोहब्बत का मैं ख्वार भी हूँ, अली की मोहब्बत का मैं ख्वार भी हूँ, मोहब्बत में मरने को तैयार भी हूँ, मोहब्बत में मरने को तैयार भी हूँ, संभल कर जरा मुझसे तुम बात करना कि सरदार भी हूँ मैं सरशार भी हूँ, कि सरदार भी हूँ मैं सरशार भी हूँ। एक और देखें क्या इन्होंने बात कही है कि हिकमत की भीख के लिए फैलाए दोनों हाथ, हिकमत की भीख के लिए फैलाए दोनों हाथ, मैं उस नबी के पास गया जिसकी धूम है, मैं उस नबी के पास गया जिसकी